हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शी कैम लुक। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो हूँ कहीं जा रही हूँ, है ना। तो मैं हूँ अभी बाइक पे और मैं अभी जा रही हूँ पूरी जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। और ये जो रास्ता है ये पूरा मतलब गाँव एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब हम लोग जो है अपना जो मेन सिटी था भुवनेश्वर सिटी, उसको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अभी हम लोग जो है पूरी वाले एरिया में घुस चुके हैं, जो कि मतलब पूरा गांव जैसा आपको दिखाई देगा आसपास का जो भी है रोड। लेकिन हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भले ही गांव जैसा एरिया है, बट जो रोड है ना वो बहुत ही मतलब बेहतरीन है। मतलब आप इतना मतलब इतना फास्ट, जितना फास्ट आप चाहो उतना फास्ट आप ड्राइविंग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ज़्यादा फास्ट भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, उतना ही करिए जितना आपको मतलब ठीक लगे। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है मेन जो रोड है ना, मतलब जैसे गांव वाला एरिया से निकल के और जो एक मतलब हाईवे वाला रोड हो जाता है, उस पर हम लोग जो है आ चुके हैं। और हमारी गाड़ी की स्पीड भी आप देख सकते हो, 70 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग सुबह ही निकल गए थे क्योंकि हम लोग को सुबह सुबह पहुंचना था ताकि ज़्यादा धूप नहीं हो जाए, है ना। सो यह अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी अभी मैं आप लोग को मंदिर में मिलती हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग को भी मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लेना मंदिर कैसा है और वहाँ के दर्शन कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर आप मंदिर पहुँच के मिलते हैं, ओके। गाइस, अभी आ गए हैं हम लोग मंदिर वाली जगह पे, मतलब मंदिर वाली एरिया में। अब और आप लोग को पता है, कोई भी धाम होता है, कोई भी तीर्थ जगह होती है, तो उसके अगल बगल में इतना सारा मतलब सामान बिकता है रिलेटेड टू मतलब मंदिर पूजा, मतलब जो भी उससे जो भी जैसे दिया वगैरह हो गया या फिर कोई भी चीज़ होती है जो मंदिर में ले जाने वाली होती है, प्रसाद या फिर चुन्नी जो भी है ना। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं रोड के इस साइड भी और उधर साइड भी, दोनों साइड जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है। मतलब बहुत लोग बाहर से भी सामान जो है प्रसाद वगैरह लेके अंदर जाते हैं, और नहीं तो आपको मंदिर के अंदर भी मिलेगा। और अभी आप देख सकते हैं गाइस, जो सबसे ऊंचा वाला जो मंदिर है ना, वहीं पे आपको त्रिमूर्ति दिखाई देगी जगन्नाथ भगवान की, उस मंदिर के ही अंदर है। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, ठीक है। और गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि बाहर में जो अभी आप साइड अगर ध्यान से देखें तो उसके अंदर लाइन लगा हुआ है, ये जो स्टील का रॉड है उसके उस साइड सब लाइन लगा के गए हुए हैं। और ये मंदिर के बगल में आपको मतलब मंदिर के दूसरे साइड आपको ये सारा दुकान मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग मतलब घर को सजाने के लिए भी कुछ सामान खरीद सकते हैं, मतलब है ना। और भी बहुत कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो एज़ यूजल सारे मंदिर के आसपास तीर्थ जगह पर जो होती हैं। यहीं पर आपको शू स्टैंड भी मिल जाएगा, क्योंकि आप शू वगैरह निकाल करके ही आपको मंदिर में जाना होगा। प्रसाद वगैरह आपके ऊपर है, आप चाहे अंदर से लो या बाहर से लो। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा सीन है सामने से। सो या अभी हम लोग जो है अपनी बाइक को, अपनी स्कूटी को जो है पहले पार्क करेंगे एंड देन हम दर्शन करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी स्कूटी को पार्क करके, ओके। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ टेम्पल का मेन गेट है, मतलब यहाँ से लोग जाते हैं इसके अंदर। और इसके पीछे जो वाइट कलर का जो बीच में आपको मंदिर दिख रहा होगा ना, इसके पीछे जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है वो मेन मंदिर है, जहाँ पे आपको त्रिमूर्ति जगन्नाथ भगवान की रहती है और वहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का इन्होंने स्टॉपर लगा दिया, और ये स्टील वाला स्टॉपर है, इससे इसके बाहर ही से ही सब लोग देख रहे हैं। और इसके अंदर में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ फोटो वगैरह ही क्लिक करा सकते हैं। और ये देख लो भक्तों को बाहर से ही सब मतलब पूजा कर रहे हैं, मतलब अंदर से आप लोग दर्शन करके आके आप बाहर से फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टॉपर लगा के रखा है ना, इसके अंदर आप जा नहीं सकते। जैसे कि ये आप जो एरिया आप देख रहे हो, अभी आप भीड़ देखो पहले, अभी उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग सुबह ही जा चुके थे एंड ड्यू टू कोविड उतना लोग नहीं आ रहे हैं, तो भीड़ थोड़ा कम ही थी। देख लो ना, ये ब्राउन कलर का जो स्टॉपर है और इसके अंदर जो ग्रीनरी है, यहाँ पे भी पहले लोग जाते थे एंड फोटो वगैरह क्लिक कराते थे, बैठते वगैरह भी थे, बट अभी ये सब जो है बंद हो गया है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का स्टॉपर है वहीं से ही आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग या जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। सो गाइज मेरा तो दर्शन हो चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं मंदिर के अंदर फोटोज वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसके अंदर का तो आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ बाहर जितना पॉसिबल हुआ मैंने जो है क्लिक किया, रिकॉर्ड किया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मेरा जो है यहाँ पे दर्शन हो चुका है और अब मैं यहाँ से जो है निकल रही हूँ, ठीक है। तो अभी आप मंदिर देख लो, कितना ब्यूटीफुल मंदिर है ना। तो हमारा दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया एंड या उसके बाद आ गए हम लोग गाइज अपने होटल में। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक खास बात ये है कि हम लोग यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, बट यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर्स भी एक दिन पहले आई हुई थी। लाइक अभी आप देख सकते हो मेरे भैया भाभी हैं और ये इशिका, जैसा कि आप लोग उसको जानते ही होंगे। सो ये मेरी भाभी हैं। तो गाइज हम लोग आए तो ये लोग पहले से आए हुए थे, ये लोग का दर्शन वगैरह हो चुका था, हम लोग दर्शन वगैरह किए एंड देन ये खाना पीना हम लोग का जो भी था, लंच वगैरह हम लोग किए। और लंच वगैरह करने के बाद जो है हम लोग एक वन नाइट स्टे किए थे यहाँ पे और फिर हम लोग पूरी बीच गए थे। ओरिजिनल वीडियो जाने वाला है भाई, नो एडिटिंग। सो गाइज फिर हम लोग यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद फिर हम लोग पूरी बीच जाते हैं, शाम को हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को भी आप लोग पक्का देखना, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग उसमें, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को वो वीडियो देख करके। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, वो वाला वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ जो है लिया था तो सोचा चलो अपलोड कर देते हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा उसको भी भूलना मत, ज़रूर देखना, ठीक है। सो गाइज चार धाम में से एक धाम तो मेरा पूरा हो गया है, बाकी धाम भी मैं करूंगी और उसकी भी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो चलो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।